ईस्टर का मतलब है जीवन, प्यार, विश्वास और आशाओं का पुनर्जन्म। यह ईश्वर में हमारे विश्वास को बढ़ाता है। आप सभी को ईस्टर पर्व की गोरखपुर न्यूज़ परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। विकास परियोजनाओं व कानून व्यवस्था की सीएम योगी ने की गहन समीक्षा। कहा, अपराधियों से निपटा जाए सख्ती से, समय पर कार्य पूर्ण होंगे तो एस्टीमेट रिवाइज करने की नहीं आएगी नौबत। पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता का रखे विशेष ध्यान। किसी भी योजना में शिकायत या लापरवाही की पुष्टि पर होगी कड़ी कार्यवाही। रविवार को सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। अपराध संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों को दिया भरोसा। कहा, तुरंत होगी कड़ी कार्यवाही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो मृतक आश्रित महिलाओं को 2-2 लाख रुपए की सहायता धनराशि का प्रदान किया चेक। एक की कोरोना में पति व एक महिला के पुत्र का करंट लगने से हुआ था मौत। मामला गायत्री नगर झरना टोला का। मृतक आश्रित महिलाओं ने सहायता मिलने पर मुख्यमंत्री के प्रति व्यक्त किया आभार। एटीएम कार्ड छीनने वाले दो शातिर लुटेरों को खजनी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। गोरखपुर की महिला का चेन लूट कर बेचा था नेपाल में। 4 ATM, 6,000 नगद, 1 मोटरसाइकिल हुआ बरामद। SP साउथ ने किया खुलासा। एक क्विंटल 15 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ दो अभियुक्तों को पेलीपार व लखनऊ SCF की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन, 4 मोबाइल किया बरामद। SP साउथ ने किया खुलासा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में मनरेगा सेवकों की कार्यशाला का किया गया आयोजन। प्रशिक्षकों द्वारा मनरेगा सेवकों को दिया गया विस्तृत प्रशिक्षण। CDO ने कहा, अच्छा कार्य करने वाले मनरेगा सेवकों को प्रशस्ति पत्र देकर किया जाएगा सम्मानित। बंद घरों में चोरी करने वाले शातिर चोर को रंगे हाथ खुराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। 141.90 ग्राम सोने का आभूषण किया बरामद। SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा। सोमवार से जिले के 19 ब्लॉकों पर 23 अप्रैल तक अलग अलग दिन स्वास्थ्य मेले का किया जाएगा आयोजन। मेले में लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी स्वास्थ्य सुविधाएं। और ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु के पुनः जीवित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ईस्टर संडे। गोरखपुर में मसीही समाज के द्वारा प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित निकाली गई जीवंत झांकी। कहा, ईस्टर संडे पर एक दूसरे को बांटी जाती है खुशियां।